मंदसौर के नाहरगढ़ में प्रशासन ने पीडीएस के चावल का एक बड़ा भंडार पकड़ा है। लगभग 45 क्विंटल राशन की दुकान के चावल जो गरीबों में बढ़ते हैं एक निजी गोडाउन में रखे हुए थे। जिले के कलेक्टर मनोज पुष्प को सूचना मिली थी कि गरीबों में बांटने वाला चावल अवैध रूप से भंडारण किया हुआ है। कलेक्टर ने मौके पर एसडीएम बिहारी सिंह, तहसीलदार वैभव जैन के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भेजा और मौके पर गोडाउन को खोला गया तो उसमें लगभग 198 क्विंटल लगभग पीडीएस का चावल रखा हुआ था। प्रशासन ने गोडाउन को सील कर दिया है, साथ ही नाहरगढ़ में संचालित होने वाली 2 पीडीएस की दुकानें भी सील कर दी है। आगे की कार्रवाई जारी है। प्रशासन इस बात का पता लगा रहा है कि पीडीएस का चावल कितने दिनों से इस अवैध रूप से बने गोडाउन में जमा हो रहा था। मौके पर अधिकारी ने गोडाउन के मालिक कमलेश धनोपिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में पहले भी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने औद्योगिक क्षेत्र में एक गोडाउन पर छापामार कार्रवाई की थी और यहां से सैकड़ों क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया था। बाद में पीडीएस का चावल जमा करने वाले व्यक्ति ने बिल प्रस्तुत कर दिए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मंदसौर जिले में पीडीएस के चावल का लंबे समय से खेल चल रहा है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण जमाखोरों के हौसले बुलंद है। मंदसौर से लखन सेन की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त होने पर आके आकस्मिक जाँच की गई है तो चावल बरामद हुआ है, जिस पर यह आशंका है कि ये चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। इसी को तारतम्य रखते हुए इस दुकान को भी सील किया जा रहा है और नाहरगढ़ में 2 पीडीएस की शॉप्स हैं, उनको भी सील किया जा रहा है। जिले से टीम बुलाई गई है, विस्तृत परीक्षण करने के बाद इसमें कैलकुलेट किया जा पाएगा, क्योंकि मिक्स चावल की क्वालिटी वही है और जो बारदाने रखे हैं उसमें भी वही हैं। जिन बारदानों को खोल के रखा गया पलट के दूसरे बारदानों में, वो भी चावल पीडीएस का ही है। जो वैरायटी पीडीएस की सप्लाई होती है वो स्पष्ट रूप से वही है। प्रथम दृष्टया तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले चावल की कालाबाजारी का मामला प्रतीत होता है। विस्तृत जाँच करने के बाद अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकेगा। क्या अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई होगी? शुरुआत हुई है, करेंगे निश्चित तौर पर, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक से अपील करूंगा कि कहीं उनके संज्ञान में कोई आए तो वो मुझे सूचित करें, हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। सीतामऊ और नायब तहसीलदार सीतामऊ और उस इलाके के फूड के ऑफिसर्स वहीं मौके पे ही हैं। संबंधित दुकान के गोदाम को सील किया जा रहा है। जिन पीडीएस के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जाँच की जा रही है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। आप थोड़ी इनिशियल जानकारी निकालने के बाद और जो जांच चल रही है उसके बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।